जो भगवान का भजन करता है उसे पापी कैसे कह सकते हैं, किंतु कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि किसी किसी पापात्मा की भी भजन में प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसे भगवान की कृपा से ही होता है, जैसा कि सूरदास जी को हुआ। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पापी भजन में प्रवृत्त हो ही नहीं। इस विषय में मैंने एक घटना स्वयं देखी है। एक बार तारे कुशल में एक बड़ा धनी पुरुष आया था। वह बड़ा ही दूरदर्शी था। एक दिन वह मदपान कर रहा था, उसी समय एक महात्मा उधर से होकर निकले। उसने उन्हें बुलाकर कहा, आओ एक प्याली पी लो। महाराज जी ने कहा, अरे अब तो तेरी जिंदगी थोड़ी ही रह गई है, क्या अभी इस दूरदर्शन से तेरी तृप्ति नहीं हुई? इतना कहकर महात्मा जी तो चले गए, किंतु उसका चित्त उसी समय से बदलने लगा। उसने शराब की सारी बोतलें फोड़ डाली। बस वह घर लौट आया और ध्यान भजन में लग गया। वह 15 दिनों के लिए खाद्य सामग्री अपने पास रख लेता और घर के भीतर बंद रहकर ध्यान भजन में लगा रहता। कुछ दिनों बाद उसकी धर्मपत्नी भी इस प्रकार भजन में संलग्न रहने लगी। इसी प्रकार महात्मा जी के एक क्षण के सत्संग से ही उसका जीवन सर्वथा बदल गया। प्रश्न, पाप होता कैसे है? उत्तर, संसार के चिंतन से। प्रश्न, पाप दूर कैसे हो? उत्तर, भगवान के चिंतन से। प्रश्न, महाराज जी, जो भक्ति नहीं करता किंतु जिसके आचरण शुद्ध है और देश की सेवा भी करता है, वह कैसा है? उत्तर, क्या ये भक्ति नहीं है? प्रश्न, नहीं, वह तो देश की सेवा ही करता है। उत्तर, क्या संसार भगवत स्वरूप नहीं है? प्रश्न, किंतु यदि वह ईश्वर को मानता ही न हो, केवल देश सेवा ही करता हो। उत्तर, जो ईश्वर को नहीं मानता उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। प्रत्येक प्राणी को भगवत स्वरूप समझो। अच्युत भावार्जितम्, जो भी कर्म करोगे वह निष्फल ही होगा। अच्युत भाव के बिना तो ज्ञान भी निष्फल है। आजकल लोग ईश्वर के मत से उन्मत्त हो जाते हैं, इसी से ईश्वर को नहीं मानते। जब ये मद उतर जाता है तो झट ईश्वर में विश्वास हो जाता है। सब्सक्राइब फ्री है दोस्तों।